अब इस चिकन को अच्छा सा कट मारेंगे पूरा अंदर तक। ये देखिए इस तरह। अब इसमें पूरा मसाला मिलाएंगे। सबसे पहले एक स्पून नमक डाल देंगे इसमें। अब डालेंगे एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पूरा अच्छी तरीके से उसके अंदर से घुसा देंगे। और अब डालेंगे इसका ऊपर लेमन जूस। और एक बार उसको अच्छा से मिला देंगे। खुला 15 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद लगाएंगे दूसरा मसाला। अब इसमें मसाला मिलाएंगे पूरा। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे दही और उसमें एक स्पून रेड चिल्ली पाउडर और एक स्पून धनिया पाउडर। अब डालेंगे एक स्पून जीरा पाउडर। ये है चिकन तंदूरी मसाला। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। अभी डालेंगे उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यह है ब्लैक पेपर पाउडर एक स्पून। अब डाल देंगे चाट मसाला और यह है कसूरी मेथी। थोड़ा सा डालेंगे और अब इसमें 2 स्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसको अच्छा सा मिला देंगे। ये देखिए एकदम मसाला अभी तैयार हो गया। ये देखिए पूरा मसाला मिलाना होगा उसमें। अब इसको इस तरह पूरा 2 घंटे तक मैरिनेशन में रखेंगे। चलो अभी तो ये 2 घंटा हो गया। अब इसमें सीटी घुसाएंगे डायरेक्ट यहाँ से। और एक ए साइड पे घुसाएंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा घुस गया। अब लेके रखेंगे अंगारा का ऊपर, इसका ऊपर बस इस तरह पूरा 10 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद पलटाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से पक रहा। अब इस साइड पे बटर लगाएंगे। चलो इसके ऊपर बटर लगा देंगे। चलो अब इसको पलटा देंगे। ये साइड पे भी बटर लगाएंगे। चिकन अच्छा सा पक गया। अब इसको नीचे उतार देंगे। ये देखिए कितना अच्छा से पक गया है। चलो अब इसको लेके खाएंगे। शेक निकाल देंगे। ये देखिए अरे 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 वाह क्या बात है। ये देखिए कितना अच्छा सा पक गया।